वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जाए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए, ऐसे जो कमेंट्स हैं वो दो टाइप के लोग कर रहे हैं। पहले तो मैरिड कपल्स हैं जो कि यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी कितनी एक्यूरेट पता चलती है वो जानना चाहते हैं, और दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो अनमैरिड कपल्स हैं। अब वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर जाते तो किसी और परेशानी को लेकर हैं, लेकिन जब आपको एडवाइस किया जाता है यूरिन टेस्ट करवाने के लिए तो फिर ज़्यादातर जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको टेंशन हो जाती है कि उनकी प्रेगनेंसी पता तो नहीं लग जाएगी यूरिन टेस्ट से। तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मैरिड कपल्स को ले लेते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि यूरिन टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है, और इस टेस्ट कार्ड का काम सिर्फ एक हार्मोन को डिटेक्ट करना होता है जो कि प्रेगनेंसी की अवस्था में महिला के शरीर से निकलता है, जिसे बीटा एससीजी हार्मोन कहते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये सामान्यतः महिला के गर्भाशय से निकलता है। अब गर्भाशय से कैसे निकलेगा, तो ओवुलेशन के दौरान जब महिला का अंडा अंडेदानी से निकलता है और पुरुष का स्पर्म जब अंडे को फर्टिलाइज कर देता है तो ये फर्टिलाइज एग महिला के गर्भाशय मतलब बच्चेदानी में जाता है और वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है, ठीक है। जब इम्प्लांट होता है ये फर्टिलाइज एग, तो इसकी कुछ जड़ें जैसी सेल्स निकलते हैं जिसे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और यही सिंसियोट्रोफोब्लास्ट इस हार्मोन को निकालता है, ठीक है। फिर ये हार्मोन महिला के ब्लड में जाता है, और ब्लड से जब ये किडनी में फिल्टर होता है, अब आप सभी को पता होगा कि जो गुर्दे हैं मतलब जो किडनी है वो खून को छानने का काम करती हैं, जो भी गंदगी होती है वो फिर किडनीज गुर्दे यूरिन को बनाकर सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। तो फिर जब महिला का ब्लड किडनी में जाता है वहाँ पर जब फिल्टर होता है तो कुछ मात्रा बीटा एससीजी की यूरिन के साथ भी महिला के शरीर से बाहर आती है। ऐसी कंडीशन में जब यूरिन टेस्ट किया जाता है तो बीटा एससीजी डिटेक्ट होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो या महिला को कन्फर्मेशन होता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, ब्रांडेड टेस्ट कार्ड है और कोई आप गलती नहीं करते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी का 99.8% ये आपको सही एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूरिन टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए तो ये 99.8% आपको सही रिजल्ट देता है। आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप सीरम बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। उससे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, ठीक है। अब ले लेते हैं अनमैरिड कपल्स को, ठीक है। अब आपको परेशानी किसी और चीज़ की थी, लेकिन आपको एडवाइस कर दिया यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो यूरिन टेस्ट है वो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यूजली अगर आपको पेट में दर्द है या फिर पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन के सिम्टम्स हमें लगते हैं, तो आपको यूरिन रूटीन के लिए एडवाइस किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूरिन टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए किया गया है या फिर हमें लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट में दर्द प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है, अगर आप मैरिड कपल हो और आपकी हिस्ट्री में ऐसा लगता है कि आपने कंसीव किया है, तो फिर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाएगा। साथ ही हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर भी यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं है उसके लिए भी आपको एडवाइस करते हैं। तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी एडवाइस किया जा सकता है और यूरिन रूटीन टेस्ट भी एडवाइस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, अगर आप वो स्लिप देखोगे तो उसमें आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं।
लेकिन अगर स्टिल आपको कोई परेशानी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।